वास्तु शास्त्र बताता है कि ब्रह्मांड में सभी चीजों में ऊर्जा का एक स्तर होता है और हर इमारत या जमीन के साथ ऊर्जा का एक कंपन जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से बना है। वास्तु का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। वहीं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र के द्वारा बताए गए यदि नियमों का पालन किया जाए तो घर में सदैव पॉजिटिव एनर्जी वास करी रहती है। वहीं वास्तु के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, अग्नि और जल से बना है। ये कहता है कि घर में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए इन तत्वों का संतुलन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक तत्व की एक प्रमुख दिशा भी है, जैसे कि पृथ्वी की ये स्थिरता और धैर्य प्रदान करने के लिए जानी जाती है और ये हर कोने में केंद्र और विकर्ण दिशाओं पर हावी होती है। वहीं वायु की बात करें तो जीवन में आनंद और खुशी का तत्व लाने के लिए वायु को जाना जाता है और इसका प्रभुत्व पूर्व दिशा में होता है। वहीं आकाश की बात की जाए तो ये संज्ञात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अंतरिक्ष सभी प्रकार की सामाजिक ऊर्जाओं के लिए जिम्मेदार है और इसका प्रभुत्व पश्चिम दिशा में होता है। वहीं अग्नि की बात की जाए तो अग्नि की ऊर्जा आत्मविश्वास, धन और सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका प्रभुत्व दक्षिण दिशा में माना जाता है। इसी के साथ जल की बात करें तो जल मानव जीवन के प्रमुख सहायक तत्वों में से एक है, इसीलिए यह प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसका प्रभुत्व दिशा उत्तर दिशा है। वहीं अगर बात करें कि घर में आपको फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय समृद्धि पानी है तो उसके लिए कौन कौन से वास्तु टिप्स फॉलो किए जाने चाहिए। देखिए, कई लोग वास्तु को बहुत जटिल और पालन करने में मुश्किल मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा साइंस है, जबकि इसका पालन करना बहुत ही आसान और सरल है। यहाँ हम इस वीडियो में आपको कुछ सरल वास्तु के टिप्स बताएंगे जिनका पालन आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य द्वार घर में ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, इसलिए धन को आकर्षित करने के लिए आपको इसे साफ रखना चाहिए और सजा कर रखना चाहिए। वहीं बैंगनी रंग धन का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, इसलिए दीवार घर की कोई भी दीवार को बैंगनी रंग से रंगना शुभ माना जाता है। अगर दीवारों को दोबारा रंगीन करना मुश्किल हो तो आप बैंगनी रंग रख भी सकते हैं। मनी प्लांट बैंगनी रंग के बर्तन में रखना एक अच्छा विकल्प इस पर देखा जा सकता है। वहीं आपको कैश रखने का लॉकर या अलमारी जिसमें आप अपना कैश रख रहे हैं उसे घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दीवार में रखना चाहिए ताकि वह घर के उत्तर दिशा में खुल सके। वहीं कैश लॉकर के ठीक सामने आपको शीशा लगाना चाहिए। धन को आकर्षित करने का ये एक आसान तरीका है। इस बात का ये प्रतीक होता है कि आपका पैसा अब दोगुना हो गया है। वहीं अपने घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में जल का निकाय रखना रचनात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। जी हाँ, आप एक छोटा सा फव्वारा, जल का उद्यान या कोई अन्य जल का ऐसा शो पीस भी रख सकते हैं जिसमें से पानी बह रहा हो, पानी दिख रहा हो, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं फाइनेंशियली नुकसान से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आप टपकते हुए नल, टोटी या किसी भी दोषपूर्ण पाइपलाइन की मरम्मत करवा दें। यदि आपके घर में कोई ऐसा नल है, ट्यूबवेल है जिसमें से पानी रिस रहा है, टपक रहा है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लीजिए। वहीं वास्तु में धन को आकर्षित करने के लिए एक और बहुत सरल उपाय है, घर के उत्तर पश्चिम भाग में पक्षियों के लिए दाना पानी का बर्तन भर कर रखना। वहीं मछलियां घर को शुद्ध करने में मदद करती हैं और घर के उत्तर पूर्वी भाग में एक्वेरियम रखना बहुत लाभदायक और सुनिश्चित करें कि आप एक्वेरियम को हवादार और हमेशा साफ सुथरा ही रखें। वहीं घर में हवा का मुक्त प्रवाह बनाए रखें और धन के बेहतर प्रवाह के लिए प्रवेश द्वार पर आप पवन झनकार नदी प्रवाह सुनिश्चित जरूर करें। यानी कि आप घर के बाहर वेल्स भी टांग सकते हैं जिनसे उस पर हवा का झोंका लगे तो उनसे झनकार घर में प्रवेश कर सके। इसी के साथ आर्थिक लाभ के लिए प्रवेश द्वार घर के मेन डोर के पास आप देवी लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति भी रख सकते हैं, ये बहुत लाभदायक है। इसी के साथ वास्तुशास्त्र में बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि घर में बांसुरी रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। वहीं अगर आप अपनी शिक्षा या फिर करियर को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो दो बांसुरी लटकाना घर में बहुत फायदेमंद होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम वास्तु टिप्स के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।